हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासिटामोल टैबलेट के बारे में। यहाँ पे ये एसीपा के नाम से एक टैबलेट है, तो आज मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी देने वाला हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना प्राइस है, ये सब चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जो एसिक्लोफेनिक और पैरासिटामोल टैबलेट होती हैं वो किस तरीके से फॉर्मेट में आती हैं। इनका दोस्तों इस तरीके का फॉर्मेट है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। दोस्तों इसके कुछ ब्रांड नेम हैं, आप इसे जीरो डॉल पी के नाम से खरीद सकते हैं। जीरो डॉल पी एक बेस्ट ब्रांड है जो कि इसका इस्तेमाल करने में मदद करता है। दोस्तों आमतौर पर यह एक प्रकार का पेन किलर है, पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है सभी प्रकार की दर्द संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी को हल्का फुल्का बुखार आता है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट के अंदर दो साल्ट होते हैं, एसिक्लोफेनिक और दूसरा साल्ट होता है पैरासिटामोल। एसिक्लोफेनिक एक प्रकार का नसेड्स होता है जो कि शरीर में दर्द होना, सूजन आना, चुभन होना, इन सभी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। वहीं पर जो पैरासिटामोल होता है वो आपको बुखार उतारने में और दर्द को ठीक करने में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि जिनको दर्द है, बुखार है या थकावट हो गई है, कमजोरी महसूस हो रही है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, दांत का दर्द है, बॉडी के कहीं भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर कोई इंसान इसे अधिक मात्रा में ले लेता है तो उसको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, घबराहट होना, पेट का दर्द हल्का मीठा हो जाना या फिर डायरिया की कंडीशन होना, ऐसे इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि ये साइड इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये साइड इफेक्ट लंबे समय तक बने रहें तो आपको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जानते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो मात्र 39 रुपये है 10 गोली का। तो आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 रुपये की एक गोली है, आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर यह मिल जाएगी। अब जानते हैं कि इस दवाई को किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं उनको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं पर भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका लिवर या किडनी खराब हो गया है उनके लिए भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिल की समस्या होने पर भी इस दवा को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आप इस दवा को 18 साल की उम्र के बाद और जो 50 साल के 50 किलोग्राम जिनका वजन होता है उनको आप दे सकते हैं। एक एक गोली दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ देना चाहिए। फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।